असेंबली का इजलास जारी है, मनाजिर हैं कौमी असेंबली के इजलास के। आप देख सकते हैं कि अपोजिशन अरकान भी इस वक्त भरपूर तादाद में मौजूद हैं, जबकि हुकूमती अरकान भी इस इजलास में मौजूद हैं। आज के इजलास का अहम एजेंडा मिनी बजट है और हुकूमत सर तोड़ कोशिश कर रही है। हुकूमत का ये मिशन है कि मिनी बजट पास हो जाए, और इससे कबल वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत पार्लियामानी पार्टी का इजलास भी हुआ। जबकि अगर अपोजिशन की बात की जाए तो अपोजिशन की जानिब से एहतजाज का प्रोग्राम बनाया गया है इस बिल के खिलाफ, और यही कहा जा रहा है कि मिनी बजट के खिलाफ हर तरीके से एहतजाज जारी रखेंगे। साथ ही साथ ये भी कहा जा रहा है अपोजिशन रहनुमाओं की जानिब से कि हुकूमत ने ज़रई शोबा तबाह कर दिया है। इस वक्त कौमी असम्बली का ये इजलास जारी है। मुनासिर डोगर साहब अपनी सीट पे खड़े हो जाए। कौमी असम्बली इजलास और वज़ीर आज़म इमरान खान ऐवान में मौजूद हैं, और कौमी असम्बली इजलास में इस वक्त अपोजिशन की जानिब से वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़ नारेबाजी की जा रही है। अपोजिशन मिनी बजट को लेकर सरापा एहतजाज है, जबकि अरकान असम्बली की जानिब से डेस्क बजाकर वज़ीर आज़म का इस्तकबाल भी किया गया, लेकिन अपोजिशन की जानिब से नारेबाजी की जा रही है वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़, और मिनी बजट के हक़ में भी नारेबाजी की जा रही है। आपको बताते चले कि अपोजिशन इस वक्त सरापा एहतजाज है पार्लियामेंट हाउस के बाहर। इससे कबल अपोजिशन एहतजाज कर रही थी मिनी बजट को लेकर, और यही कहा जा रहा था कि मिनी बजट मंजूर नहीं होने देंगे, ये अवाम दुश्मन मिनी बजट है और अवाम पर मजीद बोझ डलेगा। जबकि हुकूमती अरकान मिनी बजट मंजूर करवाने के लिए तगदो कोशिशें कर रहे हैं, जबकि अपोजिशन की जानिब से यही कहा जा रहा है कि ये मिनी बजट मंजूर नहीं होने देंगे, और इस वक्त कोरम की गिनती जारी है। इससे कबल भी इजलास मुनक़िद किया गया था और यही कहा गया स्पीकर की जानिब से कि कोरम पूरा नहीं है, और राणा सना ने ये कहा कि जब तक हुकूमती अरकान पूरे नहीं होते हम इजलास नहीं होने देंगे, जब तक ये जो हुकूमती अरकान है ये बेंचेस जो हैं भरे नहीं होंगे, सीरियस इशू है, इस पर बात करनी चाहिए। हुकूमती अरकान को बिलावल भुट्टो ने एक लंबी तकरीर की और अहम इशूज़ पर बातचीत की। शहबाज शरीफ की जानिब से भी कहा गया कि हुकूमती अरकान इस इजलास को सीरियस नहीं ले रहे, तो हुकूमती अरकान को बुलाया जाए, जब तक अरकान नहीं आएंगे इजलास नहीं होगा, लिहाजा हम वॉकआउट करते हैं। अपोजिशन की जानिब से वॉकआउट किया गया था, आज दोबारा इजलास बुलाया गया है और हुकूमती अरकान भी इस वक्त मौजूद हैं, जबकि अपोजिशन की जानिब से नारेबाजी की जा रही है मिनी बजट को लेकर। इस वक्त कौमी असेंबली का ये इजलास जारी है और कोरम की गिनती की जा रही है। अहम इजलास है, बहुत अहम एजेंडा है मिनी बजट का, और इस हवाले से आज हुकूमत की सर तोड़ कोशिश होगी। हुकूमत का ये मिशन है कि आज हर सूरत में मिनी बजट पास करवाया जाए, लेकिन यकीनी तौर पर अपोजिशन इसके खिलाफ है और अपोजिशन इसके खिलाफ एहतजाज भी कर चुकी है और अभी भी एहतजाज किया जा रहा है। अपोजिशन की जानिब से बार बार कहा जा रहा है कि ये जो मिनी बजट है ये अवाम पर मज़ीद महंगाई मुसलत करेगा और अवाम पर मज़ीद बोझ जो है वो बनकर गिरेगा। इसके साथ साथ हुकूमती बजट जो है वो आज पेश करवाने के लिए सर तोड़ कोशिशें की जा रही हैं। पीपल्स पार्टी और अपोजिशन रहनुमाओं की जानिब से इसको शदीद तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। कुछ देर कबल पार्लियामेंट के बाहर भी एहतजाज किया गया और अब भी अपोजिशन यही बार बार चाह रही है कि ये बजट मंजूर ना हो। और पीपल्स पार्टी की ज़िमनी बजट पर तरमीम पर स्पीकर कौमी असम्बली की जबानी राय शुमारी, अपोजिशन ने जबानी राय शुमारी को चैलेंज कर दिया है। स्पीकर ने तरमीम के हक में वोट देने वालों को नशिस्तों पर खड़ा होने का कह दिया है। स्पीकर कौमी असम्बली की हिदायत पर पीपल्स पार्टी की तरमीम पर गिनती जारी है। तो पीपल्स पार्टी के ज़िमनी बजट पर तरमीम पर स्पीकर कौमी असम्बली की जबानी राय शुमारी और अपोजिशन ने जबानी राय शुमारी को चैलेंज कर दिया है। 168 मेंबरान तहरीक की मुखालिफत में खड़े हुए, लिहाजा तहरीक मुस्तरद होती है। द क्वेश्चन इज दैट नाउ आई पुट द मोशन टू हाउस, नाउ आई पुट द मोशन टू हाउस, इट हैज बीन मूव्ड दैट द बिल फर्दर टू अमेंड द सर्टन लॉज रिलेटिंग टू टैक्सेस एंड ड्यूटी, द फाइनेंस सप्लीमेंट्री बिल 2021 एज इंट्रोड्यूस्ड इन द नेशनल असेंबली टू टेक इनटू कंसीडरेशन। All those in favour of the motion may say aye. All those against say no.
I think as have it, consecutive motion is adopted. Clause by clause is reading. The bill is now taken up clause by clause. Clause 2 amendment. There are also Senate recommendation on clause 2. There are 3 amendments in clause 2. First amendment standing in the name of Khwaja Asif Saab, Rana Tanveer Hussain, Mr. Ehsan Iqbal Chaudhary, Engineer Khuram Dastagir, Rana Sanaullah, Shahid Khakan Abbasi, Aisha Ghos Pasha, Maryam Aurangzeb, Mr. Mohsin Nawaz Ranja, Ms. Shaza Fatma, Ms. Romina Khurshid, and Mr. Ali Parvez. Second amendment standing in the name of Mr. Mohsin Dawal, Mr. Junaid Akbar, and Mr. Sajuddin Turi. Third amendment standing in the name of Mr. Bilawal Bhutto Zardari, Raja Parvez Ashraf, Sayyid Naveed Kamar, and Shazia Mari. Ji, Khwaja Asif Saab, aap amendment move karwa de, please. Kaun kare? Koi bhi kare. Aap tashreef rakhe, bhai. Ji. Shahid Khakan Abbasi Saab, move the amendment, please. Sir, I beg to move that in the Finance Supplementary Bill 2021, in Clause 2, the sub-clause 1 shall be omitted, the sub-clause 2 shall be omitted, the sub-clause 3 shall be omitted, and the sub-clause 4 shall be omitted. Do you want to move? Minister Saab, do you oppose it? Yes, sir. What will you do? जी बात जी सेकंड अमेंडमेंट मिस्टर मोहसिन दावल मूव द अमेंडमेंट प्लीज बहुत शुक्रिया आप जनाब स्पीकर अमेंडमेंट मूव करें अमेंडमेंट ही मूव करता हूं जनाब स्पीकर लेकिन वंस अगेन आज अली वजीर इस हाउस में मौजूद नहीं है उसका प्रोडक्शन ऑर्डर जॉइंट पोजीशन ने जमा कराया हुआ था लेकिन आपने इशू नहीं किया और ये जो मनी बिल पेश हो रहा है उसमें जनूबी वजीरिस्तान के एक हलके की नुमाइंदगी शामिल नहीं है प्लीज और यहाँ पर एक अमेंडमेंट मूव करें प्लीज अमेंडमेंट मूव करता हूँ जनाब स्पीकर यहाँ पर एक हमारे मिनिस्टर फाइनेंस ये जो मिनिस्टर साहब ने थोड़ा मिस कोट किया जो हमारे मैं फिर दूसरों को कह दूंगा अगर अमेंडमेंट नहीं मूव करता मैं मूव करता हूँ जनाब स्पीकर आप इतनी जल्दी हमारे सूबे में गैस ये आई जी जुनैद अकबर साहब जुनैद अकबर मूव द अमेंडमेंट आप अमेंडमेंट मूव करते नहीं करते बस मैं मोहसिन साहब जी